सरप्राइज। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे सफर की और हम निकल चुके हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जिसका मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर जो कि भक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, नाम है बनारस, जहाँ पर भक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक चेहरे के अंदर खुली हुई है। मैं हूं अमित और भाई साहब आज एक और धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो भाई साहब अभी की अगर बात करें तो गाइज मैं फिलहाल ना तो अपने घर पे हूं, ना ही ऑफिस में हूं और इवन ना ही राजस्थान में। दोस्तों मैं आ चुका हूं फिलहाल अपनी टीम के साथ में उत्तर प्रदेश के बनारस के पास में जो आजमगढ़ जिला है वहां पर। और गाइज आज की जो वीडियो है वो बहुत 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 ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों आज यार चीज़ें हम ऐसी करने वाले हैं तो मैं भी जो है बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड हूँ और बहुत नई चीज़ भी है मेरे लिए और कहीं ना कहीं मेरे काफ़ी क्लोज भी है हार्ट के। तो आपको बिना देर किए सबसे पहले तो ये बताते हैं कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। आज हमारा सामना होने वाला है दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक सांपों से। देखते हैं किस तरीके से हमें सांप मिलते हैं, किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जाता है और किस तरीके से उनको वापस से उनके अनुकूलित वातावरण में छोड़ा जाता है। सांपों के रेस्क्यू के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एक्सपर्ट की और इसमें हमारा साथ देंगे स्नेक एक्सपर्ट गुड्डू मौर्या जी और स्नेक एक्सपर्ट दीपक यादव जी। इनका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गुड्डू मौर्य सर्प मित्र और ये जो है स्नेक रेस्क्यूज की वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के ऊपर टारगेट रख रहे हैं 1.5 मिलियन लाइक्स का, यानी कि 15 लाख लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और भाई साहब मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको भी जब जो है स्नेक्स के साथ में कुछ मौका मिले, जब आपको सांप वगैरह दिखे तो प्लीज़ आप उनको बचाने पे फोकस कीजिए, लेकिन खुद कभी भी हैंडल मत कीजिएगा। जो स्नेक्स को बचाने का काम है वो एक्सपर्ट्स के लिए ही होता है। जिस आदमी को स्नेक्स रेस्क्यू के बारे में नहीं पता उसको बिल्कुल भी हाथ इस चीज़ में नहीं लगाना चाहिए। तो अब जो है फटाफट से शुरू करते हैं, 1.5 मिलियन लाइक्स फटाफट से ठोक दीजिए। गुड्डू जी आपको कितना टाइम हो गया है स्नेक रेस्क्यू करते हुए इस फील्ड में? हमें 10 साल तो हो गए। अब कितने सांपों को अब तक कुछ अंदाजा है कि बचा चुके होंगे? कुछ 5000 से ऊपर ही हो गए। 5000 सांप 10 साल सांपों के साथ काम करने के बाद और 5000 से भी ज्यादा सांपों को रेस्क्यू करने के बाद गुड्डू मौर्या और दीपक यादव के पास है पर्याप्त जानकारी सांपों के बारे में और यही हमें गाइड करेंगे इस एडवेंचर के लिए। ऐसे जगह पे रीच किया जाता है कि जहाँ पे कोई इंसान न रहता हो। ये स्नेक एक्सपर्ट सांपों को लोगों के घरों में से पकड़ करके उनको जंगल में उनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि रेस्क्यूज अंकल जी पिछले 10 सालों से ही कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे हम लोग पिछले 2 साल से हैं। इसके पहले हम लोग यूट्यूब नहीं करते थे। 10 साल पहले से काम चल रहा है लेकिन आपको जो यूट्यूब पर दिखेगा वो पिछले 2 साल से ही हो रहा है। दोस्तों एक दिन में जो है कई सारे स्नेक्स का रेस्क्यू जो है गुड्डू जी करते हैं। यहाँ हम निकल चुके हैं गुड्डू मौर्या की टीम के साथ सांपों को बचाने के लिए। ठीक 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 आ रहे हैं हम लोग, मान के चलिए 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। भाई साहब 10 मिनट का टाइम दिया गया है, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। आज का पहला कॉल हमें आ चुका है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर किसी के घर में सांप घुसा होने की जानकारी मिली है। सांप कौन सा है ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। फाइनली 2 किलोमीटर के काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और यहां पर पहले से ही काफ़ी भीड़ मौजूद है। दोस्तों यहां पर जो सांप है वो आगे की तरफ है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी यहां पर जमा हो चुकी है जो कि मैं आते ही यहां पर देख रहा हूं। तो देखते हैं कि कौन सा सांप है, कोबरा बताया था इन्होंने। लोगों के मन में सांप के लिए डर आप उनके चेहरे से साफ साफ देख सकते हैं। सांप इस घर के अंदर घुसा है और सारे लोग घर के बाहर खड़े हैं। इस पूरे में हो सकता है। आखिरी बार सांप को लगभग आधे घंटे पहले इस भूसे के ढेर में देखा गया था तो इसलिए यहां पर सांप की तलाश जारी है। लगभग 15 मिनट ढूंढने के बाद सांप तो नहीं मिला, इसलिए सारे लोग और हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन तभी अंदर सांप की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग फिर से अंदर भाग जाते हैं। दोस्तों अब तक जो सांप है वो मिला नहीं था, मिल गया वो बिल वगैरह में घुस गया था, अब अंदर देखते हैं कुछ।
गुड्डू मोरिया के पास सिर्फ एक स्टिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस सांप को पकड़ने के लिए। ये एक कोबरा सांप है जो कि फन लेकर के यानी कि हुड लेकर के खड़ा हुआ है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। यह समय बहुत ही खतरनाक है और सांप खतरा महसूस कर रहा है और इस खतरे की वजह से यह किसी को काट भी सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुड्डू मौर्य एक एक्सपर्ट हैं, आप ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सांप को पकड़ करके बाहर लाया जा चुका है और ये एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है जिसे हिंदी में नाग कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा है जो कि संस्कृत के नाग शब्द से लिया गया है। इस सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स वेनम होता है जो कि हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो सकती है। तो गाइस अब इस सांप को यहाँ पर पैक किया जा रहा है और मुझे जो है इसके इतना पास होते बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि भाई डर असली है क्योंकि इसके अंदर जहर है। इस सांप के अंदर इतना वेनम है जो कि एक बड़े हाथी की भी जान ले सकता है। किसी को भी जहर नहीं बोलेंगे इसको, वेनम वेनम बोलेंगे क्योंकि जहर एक पॉइजन होता है जो कि हर लेग के लिए नुकसानदायक होता है। इसका एक बट अगर ये काट ले और इलाज ना मिले सही टाइम पे तो कोई चांस नहीं है बचने का। इस सांप को यहाँ पर इस कपड़े के बैग में पैक किया जा रहा है ताकि इसको इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जा सके। सब लोगों के चेहरे पर संतुष्टि है लेकिन सांप को बैग में पकड़ने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर जो शिकन है वो आप देख सकते हैं। ये वाकई एक काफी अद्भुत मौका था। एक रेस्क्यू हो चुका है, नेक्स्ट के लिए जो है अब चल रहे हैं। सांप को रेस्क्यू करके हम निकल ही रहे थे कि इन माताजी ने एक सवाल किया कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा सांप होगा तो वो हमसे बदला लेगा। माताजी हम लोग आपको बता दे रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सांप बदला नहीं लेता है। ऐसा नहीं कि जोड़ा में से हमने एक सांप को अलग कर दिया तो दूसरा वाला बदला लेगा खोजेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि नहीं हमें वो बदला लेगा, वो बदला वाला सिस्टम नहीं, बदला वाला सिस्टम नहीं है। दोस्तों हम जो है अब एक दूसरे गाँव में आ चुके हैं जो कि इसके पास में ही है और यहाँ पर भी जो है एक स्नेक रेस्क्यू के लिए कॉल आया है। सांप का भी नहीं पता है सांप कौन सा है तो वो जाकर के पता चलेगा। दोस्तों आज हमारे काम में समय की बहुत कमी है, एक एक पल कीमती है। जिनके घर पे सांप मिला है उनके घर के पास पहुंच चुके हैं अभी। जब किसी के घर में सांप घुस जाता है तो पूरा परिवार बाहर बैठा रहता है और सांप अंदर बैठा रहता है। यहाँ पर दूसरा कोबरा हमें मिल चुका है जो कि दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ है। बहुत खतरनाक जगह पे है। सिंगी लेके आइए, लाइट लाइए। और ये इतना इजीली इस काम को करते हैं कि देख के लगता है कि कैसे कर रहे हैं भाई, देखो कितना आसानी से सांपों को हैंडल कर रहे हैं। फिर से वही डर का माहौल बन चुका है, सांप दोनों तरफ से ना भाग जाए इसलिए दोनों साइड कपड़ा लगाकर रास्ते को बंद किया जा चुका है। सांप की पूंछ को पकड़ने के बाद सांप काफी गुस्से में आ चुका है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अगर इस सांप ने बाइट किया तो यहां पर बचना लगभग नामुमकिन है। सांप को पकड़ने वाले का पूरा ध्यान सांप के ऊपर होना जरूरी है क्योंकि अगर ये सांप एक भी बाइट करता है तो यहां पर बचना बहुत मुश्किल है। सभी लोगों के चेहरे पर जो डर है वो साफ साफ देखा जा सकता है। और यहाँ पर जो सांप है वो काफी तेजी से इस लकड़ी के ऊपर काट रहा है जो कि अपने आप में काफी डरावना है और मैंने पहली बार सांप को इस तरीके से बाइट करते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। अगर इसकी जगह किसी का हाथ या पैर होता तो समझिए उसकी जान गई अगर सही समय पर इलाज ना मिला तो। चलिए दूसरा नाग हमें मिल चुका है, जूते की मदद से इसे डाइवर्ट किया जा रहा है। गुड्डू जी के एक्सपर्ट हैं, आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मेरा बैग दीजिए तो ये आप इसने आपके जूते पे बाइट किया है क्या? हाँ भी नहीं, बाइट नहीं करी थी, कोशिश करी था वो। अगर सांप आपको बाइट करता है तो किसी भी तरीके के झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, सीधा अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाए, एंटी वेनम लें और अपना इलाज करवाएं। यहाँ पर इस सांप को भी उसी बैग में पैक किया जा चुका है। क्या माता जी,
अब एक के बाद में गाइस दो सांप जो है इसके अंदर बंद हो चुके हैं और मैंने इसको ऊपर से पकड़ा है, बीच में गांठ है। इस बैग में हमेशा सांप के काटने का खतरा बना रहता है, इसलिए इसे ऊपर से ही पकड़ना पड़ता है। जहरीले सांप दो कोबराज हैं फिलहाल, जो कि मेरे से एक फीट की दूरी पर है और जिनका वेनम रेडी है किसी को भी काटने के लिए। तो मशीन का ये जो फील है ठीक रहा था आपने यार, इतना अलग सा यहाँ पर मुझे फील दे रही है। साबुन इसको कंटिन्यूसली थोड़ा साबुन दीजिए, से जो है दूरी रखा है। अभी और देखते हैं हमको क्या क्या सांप यहाँ पर मिल पाता है और उसके बाद में जो है उनको रिलीज करेंगे फिर। मतलब मैं तो नहीं करूँगा, गुड्डू जी करेंगे ऑब्वियसली। ये जहरीला सांप है, ये वेनमस स्नेक है और रुक जा इसको इसी के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर रिलीज किया जाएगा। इससे ज़्यादा बोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं अभी गाइस। कहाँ से बोल रहे थे? दूसरा रेस्क्यू खत्म होने से पहले ही तीसरे के लिए कॉल आ चुका था और हमको जल्दी से निकलना जरूरी था। निकल गए बस रास्ते में, आप थोड़े और वेट कर लीजिए, हम लोग बस आ ही रहे हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं। तो भाई साहब यहाँ पर हम जो है एक और रेस्क्यू के लिए जो है निकल चुके हैं। कैमरा फिलहाल मैं ही चला रहा हूँ और एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस आज हमको हो रहा है गुड्डू जी के साथ में और दीपक भाई के साथ में। दीपक भाई इधर आओ, सांप बचाने के लिए निकल रहे हैं। सांप यहाँ पर इस टीन शेड के अंदर घुसा हुआ है। अभी हमें भी ये जानकारी नहीं है कि कौन सा सांप है, तो अंदर जा करके ही देखना पड़ेगा कि कौन सा सांप है। टार्च चलाइए, टार्च, बैग निकालिए, बैग में से टार्च निकालिए। लोगों ने बताया है कि सांप इस कंडे के ढेर में छुपा हुआ है और इन उपलों को हटा करके सांप को ढूंढा जा रहा है। दामन है, रेड स्नेक है, कोबरा नहीं है, कोबरा नहीं है, नान बेने में से इस बार भाई कुछ अलग सांप मिला है हम लोगों को। यहाँ पर सांप को पकड़ा जा चुका है, ये एक इंडियन रेड स्नेक है। इसको ओहो ये नान बेने में से होता है, दामन अच्छा। इसको बोलते हैं आपके इधर घोड़ा पछाड़, इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। अच्छा, जरा भी नहीं है। इसको हिंदी में धामन बोलते हैं और गांव में अक्सर इसे घोड़ा पछाड़ भी बोला जाता है, क्योंकि यह सांप बहुत ही फुर्तीला होता है, घोड़े जैसी फुर्ती के साथ में भागता है। ये तो ठंडा है, अरे ठंडा है ये, मेरा फील था कि कुछ गर्म होगा, भाई बहुत अलग फीलिंग है। यह बात तय है कि अगर यहाँ हम समय से नहीं पहुँचते तो इस सांप को लोग मार देते, जबकि असलियत ये है कि यह सांप जहरीला नहीं है, ये एक नॉन वेनमस स्नेक है जो कि लगभग पूरे भारत में पाया जाता है और इसका शिकार चूहे और मेंढक होते हैं। और भाई देखो, मैं अपने मन से मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जैसा मुझे गुड्डू सर बता रहे हैं, जैसा इनका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये मुझे बता रहे हैं और मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके बाद में जो हुआ वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। काटेगा नहीं ना, नहीं बिंदास नहीं काट पाएगा, और काटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्नेक एक्सपर्ट गुड्डू मोरिया से पूरी जानकारी लेने के बाद में इस नॉन वेनमस स्नेक को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया और यह वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा अलग फीलिंग थी। उसके चक्कर में लोग फिर सांपों को मार देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यही जो सांप है ये जहरीला, अरे यार मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये जो सांप है ये जहरीला नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? ये धामन सांप है, इसको घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं, रेड स्नेक इंग्लिश में। ये बिल्कुल वही है दोस्तों, ये घोड़ा पछाड़ सांप है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती होती है, ये बहुत तेज स्पीड से जो है भागता है, मतलब इसको घोड़ा पछाड़। हाँ मतलब इसको घोड़ा पछाड़ इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो रफ्तार है वो घोड़े जैसी फुर्ती होती है बेसिकली। इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड स्नेक। अच्छा, इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं इसको। और ये चूहे खाता है, जैसा इसका नाम है रेड स्नेक वैसे ये चूहे खाता है, चूहे भी खाता है। यह सांप हमारे खेतों में चूहे खाकर अपना पेट भरता है और इसीलिए यह फसल की रक्षा भी करता है और इसीलिए इसको किसान मित्र भी कहा जाता है। जहरीला नहीं है ये, नॉन वेनमस है। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो इसके, एक बार इसका बॉडी का मैं स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है इसके बॉडी के ऊपर ये स्केल्स हैं और इसके ऊपर इसका ग्रीनिश जैसा कुछ कलर है, ग्रीन में ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन। घोड़ा पछाड़ सांप दो कलर्स में मिलता है, एक ब्लैक और दूसरा येलो। हमें यहाँ पर ये ब्लैक धामन मिली है। बिल्कुल भी इसको ना इसको लग रहा है ना हमको लग रहा है, इसको पता है कि मुझे दीजिए। हाँ मैं मतलब इसको ये भी पता रहता है कि मुझे दिक्कत नहीं है यहाँ पे पकड़ने को, जो बताया ना हम आपको कैसे पकड़ेंगे, तो आपको अब देखिए इनका इतना एक्सपीरियंस है कि इन्होंने मेरे को। दोस्तों ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट के लिए है, आप ऐसा कुछ भी कॉपी ना करें। बहुत ठंडा ठंडा है, मेरे को ये भी बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस। अच्छा, इतना सा कीड़ा बढ़ते जाएंगे ना।
तो यहाँ पर सांप को पैक किया जा चुका है। आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ का सांप है, कौन सा है। आपने क्या लिखा इस पे? धामा। और इस सांप को जब खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर से एक बदबू पैदा करने वाला पदार्थ स्रावित करता है ताकि इसको जिसने पकड़ा है वो इसे छोड़ दे, और इसीलिए हमें यहाँ पर अपने हैंड्स को वॉश करने की जरूरत पड़ रही है। इस बार का रेस्क्यू कॉल काफ़ी अलग है और काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि सूचना मिली है कि सांप पेड़ के ऊपर 20 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है और हम लोग मौके पर आ चुके हैं। जो सांप है ना वो ऐसा बता रहे हैं कि पेड़ पे बैठा हुआ है। चलो। और यहाँ पर गाइस इसको बचाना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये अगर नीचे आएगा तो लोग इसको जो है मार सकते हैं, क्योंकि इसको जो है जहरीला समझ सकते हैं, तब दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर खेत हैं और अक्सर चूहों को खाने के लिए सांप इन खेतों में घुस जाते हैं। ये भी एक इंडियन रेड स्नेक है और ये लगभग पेड़ पर 70 से 80 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है। भाई साहब जो सांप है ना वो ऊपर चढ़ा हुआ है वहाँ पे यार, और इधर शायद वो जो है कोई पक्षी वगैरह के अंडे या चूजे उनको पकड़ने के लिए या उनको ढूंढने के लिए चढ़ गया ऊपर, क्योंकि उसका खाना है ये चीज। सांपों के बारे में हमारे समाज में काफी अंधविश्वास भी प्रचलित है। इन सज्जन का कहना है कि अगर ये सांप किसी भी अंग के ऊपर अपनी पूंछ से वार करता है तो वो अंग गल जाता है, सड़ जाता है और खराब हो जाता है। मतलब धाम में अगर पूंछ से मार देता है तो अपने को लकवा वगैरह आ जाता है। ये जो आप कह रहे हैं ना ये ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब। यहाँ पर कम से कम 60-70 फीट ऊंचा बांस बना करके, कई बांसों को जोड़ के वो देखो ऊपर जो है बांस पहुंचा है। अब वो जो सांप है मुझे दिखाई दे रहा है अच्छे से और ये आधी हाइट पे आ चुका है। अब यहाँ पर सांप को हवा में ही पकड़ा गया है। सांप बड़ा ही गुस्से में लग रहा है और इसने अभी मुझे काटने की कोशिश भी करी है, इसलिए इससे बड़ा ही सावधान रहने की जरूरत है। ये परेशान तो नहीं है ना? ये देखिए खाई हुए आराम से। नहीं नहीं ये खाई कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा था कुछ अलग सा लग रहा था मुझे। कुछ खाई खाया मेढक खाया भाई साहब। यहाँ पर हमारे पास में गिलहरी क्या खाया, एक सांप और आ चुका है और ये भी वही सांप। दोस्तों हमारा इस वीडियो का मकसद लोगों को सांपों के बारे में जागरूक करना है और इन बेजुबानों की जान बचाना है, क्योंकि ये बोल तो नहीं सकते लेकिन लोग गलत जानकारी की वजह से इन्हें मार देते हैं। भाई साहब वो जो अभी अंकल पूछ रहे थे ना वो तो यहाँ से भाग के जा चुके हैं। हम उनको दिखा रहे थे कि एक बार इसके जो आप कह रहे थे ना कि पूंछ से मार के ये जो है उसका हाथ पैर खराब हो जाता है या लकवा मार जाता है, लेकिन वो तो भाग गए। हमने बोला कि चलिए आपको दिखाते हैं और वो डर के इतना भाग। कोई भी सांप काले रंग की हिलती हुई चीज की तरफ आकर्षित होता है और उसको काटने की कोशिश करता है। कुल मिला के तो यहाँ पर ये देखो ये सांप का पूंछ है धामन का और इससे मैं अपने हाथ पे मरवा रहा हूँ। देखिए ठीक है मार दिया। अब अगर कुछ होगा तो खराब हो जाएगा ना, लेकिन कुछ होता नहीं है। इस सांप में तो जहर भी नहीं होता, इसके तो काटने से भी कुछ नहीं होता, ये तो हाथ में पकड़ने की बात है। तो आप एक बात बताइए ये सांप मेरे को ही काटने के लिए क्यों आ रहा है? उसको खतरा महसूस है, हिलती हुई चीज को बहुत ज्यादा आपके ऊपर नहीं आ रहे है। मैं हिल नहीं रहा हूँ ना, आप हिल रहे हैं। अच्छा, ये हिलती हुई चीज को खतरा महसूस, क्योंकि इनके पास पलके होती नहीं है। जींस का कलर ब्लैक है। अगर अपन ऐसे ऐसे करेंगे तो ये इधर उधर देखेगा। अरे वो ऐसे करते ही वो ऐसे फुला रहा है। दबाना नहीं बस देख रहे हैं। अच्छा 4-5 बार अपनी स्किन होती है तो शेड करते हैं। ओके चलो इसको पैक कर देते हैं। अब देखिए अभी इसके पहले कितना गर्दन को फुला रहा था, अभी देखिए दम नॉर्मल हो गया। तो भाई अब इन सांपों को रिलीज करते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे गुड्डू जी से और दीपक जी से। अब पकड़ ले बाद में। हाँ अब तो पकड़ ही लेगा, ऐसे तो मैंने कोबरा को भी पकड़ा था। अब हम हमारे रेस्क्यू किए गए सांपों को जंगल में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं और इनका अनुकूलित वातावरण देख करके इन्हें रिलीज करेंगे। और यहाँ पर पता है गाइस आज मैं खुद जो है स्नेक्स को रिलीज करने जा रहा हूँ। कम से कम जो वेनमस है उनको नहीं बल्कि जो नॉन वेनमस है उनको, यानी कि जिनमें जहर नहीं होता है। लेकिन गाइस फिर भी यार मेरे लिए ये बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है। आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, सांपों को जंगल में उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ना, सांपों को जो कि हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई लेकिन आज हम एक्चुअली में अपने हाथों से जो है उनको छोड़ रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको भी यही कहना चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ जो है आप भी जब भी आपको ऐसा अगर मौका आता है तो आप खुद हैंडल मत कीजिएगा, आप किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिएगा हमेशा, ठीक है। इसमें से जो है गाइस सांप आने वाला है, काटने का खतरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये रहा
सबसे पहले हम रेस्क्यू करेंगे दो घोड़ा पछाड़ सांपों को, यानी कि दो धामन सांपों को, जिसे हिंदी में धामन और इंग्लिश में रेड स्नेक कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जमीन पे रखेंगे तो हाँ, इसने जो है कितना टाइट मेरे इसको पकड़ा हुआ है, और ये इसके लिए वैसे ज़रूरी भी है, अगर इसने किसी पेड़ वगैरह को पकड़ रहा है तो ऐसे टाइट पकड़ेगा तो गिरेगा नहीं सांप। आप देख सकते हैं कि सांप अपनी पूंछ से मेरे हाथ पे पकड़ बना चुका है ताकि ये सुरक्षित रहे। ये सांप बड़ा ही गुस्से में था और इसने मुझे काटने की कोशिश भी करी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसने फिर भी मेरी टी शर्ट का धागा उखाड़ दिया है। ये उसने काटा है, हाँ ये उससे उखड़ा है, धागा निकल गया, ये धागा उससे निकला है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस चीज़ से अवेयर करने के लिए कि बहुत सारे सांपों में तो जहर ही नहीं होता, उसके लिए हम आपको जो है सांपों से कटवा के भी दिखाएंगे, लेकिन शायद इस वीडियो में नहीं, वो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में होगा। तो यहाँ पर एक दूसरा हमारे पास में सांप है, इसको मैं ले लूँगा। परेशान हो जाते हैं, लोगों को खाना तक नहीं खाया जाता है, लोगों की नींद उड़ जाती है, उसको बाइट करवाने की बात कह रहे हैं, और ये अपने आप में वाकई काफी गट्स वाला काम है। किसी भी सांप से कटवाने की बात कहने में जितना आसान लगती है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, भले ही उसमें कोई जहर ना हो। काफी लोगों की बिना जहर वाले सांप काटने से भी मौत हो जाती है, क्योंकि वो उस झटके को झेल नहीं पाते, उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। दांत दिखाना है ना लोगों को अवेयर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो इसमें से दो आएंगे या एक आएगा? दो है ना। हाँ ओ वाओ, एक देखिए गया। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जो कि खतरा महसूस होने पर अपना फन लेकर के खड़ा हो जाता है। भारत में यह सांप काफ़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि केहुअन, नाग, फिटार, काला सांप, कोबरा इत्यादि। ये देखो अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए और थोड़ा अवेयर करने के लिए लास्ट वाला हम लोगों ने इसको इसके मुंह से पकड़ा है। एक बार दांत, हम आपको इसका एक बार दांत दिखाना चाह रहे हैं। इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, देखो गाइस, ये दांत, ये जो दो इसके छोटे छोटे से दांत दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये आदमी के शरीर में जो है जहर इंजेक्ट कर सकता है, इनको मैंने पहली बार देखा है। और यहाँ पर सांप को बड़े ही सावधानी से उसके गर्दन से पकड़ा गया है ताकि हम इसके दांत भी देख सके और सांप को भी कोई दिक्कत ना हो। सांप का जहर इसके मुंह के ऊपरी हिस्से में होता है, और जब भी अपने शिकार को पकड़ते हैं तो जहर अंदर इंजेक्ट हो जाता है। इस बार बारी है चार कोबरा स्नेक्स को रिलीज करने की। सभी की सांसें यहां पर थम सी चुकी है, जरा भी हिलना नहीं आपको, अगर आपके पांव के पास भी जाएगा ना हाँ, तो हिलिएगा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं करना। एक गया, एक गया, बिल्कुल गया, तीन है, बड़ा है। वाओ, बिल्कुल मोशन नहीं करना, चला जाएगा, चला जाएगा। ओहो गाइस, पैर में से गया। ये तीसरा जा रहा है बैक के नीचे। चौथा सांप यहाँ पर, ये भी काफी बड़े साइज का एक बात है। इसको चारों तरफ का दिखाई देता है, भाई सब सारे सांप जो है वो जहर वाले हैं, सारे सांप वेनम वाले हैं बेसिकली। अच्छा, मूवमेंट नहीं करना, हिलना मत, हिलना मत, बस जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाओ भाई नागराज। तो भाई साहब, यहाँ पर हम स्नेक्स को रिलीज कर चुके हैं, और अभी भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और बाकी है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आज हमने आपको दो तरीके के सांप दिखाए हैं, कोशिश करेंगे आगे आपको और भी सांप जो है हम दिखाने की कोशिश करें, और अलग अलग स्पीशीज़ के वो कैसे बिहेव करते हैं, जहरीले होते हैं या नहीं होते, कितना वेनम होता है, और उनको मतलब बेसिकली उनके बारे में सारी चीज़ें, और फिर उनको रिलीज़ भी करेंगे, ठीक है। और गुड्डू जी ने हमारा इतना साथ दिया, दीपक भाई ने भी दिया, तो इनको भी थैंक यू सो मच। इनका चैनल यूट्यूब का मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। और भाई इस वीडियो का टारगेट था 1.5 मिलियन लाइक्स का, जल्दी से उसको पूरा कर दीजिए, और हमें यहाँ आकर के वैसे भी बहुत अच्छा लगा यार, भाई ने और गुड्डू जी ने भी यार बहुत ज़्यादा मतलब हमको अच्छे से रखा, और बहुत खुश हूँ बेसिकली मैं यहाँ आके। अपने घर से इतना दूर है लेकिन फिर भी जो है एक अपनापन सा माहौल लग रहा है, और सांपों को जो है देख करके भी एक नया एक्सपीरियंस आज हमारे पास में आया।
हमारी अपेक्षा काफ़ी बड़े लेवल पर ऑडियंस है, तो हम चाहते हैं कि इनके थ्रू आप लोग अवेयर हों और चीज़ों को समझें, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी मतलब अंधविश्वास में रहते हैं, उनको सही चीज़ें क्लियर नहीं रहती कि कौन से वेन में से कौन सा नॉन वेन में से, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए यहाँ पर अभी मुझे इतना पता होने के बाद भी देखो थोड़ा सा वो है कि यार सांप तो सांप ही है, तो मन में एक डर सा ज़रूर होता है। ये जितना कहना आसान है ना उतना गाइस करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यार आप लोगों के एक अवेयरनेस के लिए भी आप समझ सकते हैं कि ये जो हमने आपको सांप दिखाया था वो एक्चुअली में जहरीला नहीं था, जो बाद में कोबराज थे वो बहुत ज़्यादा जो है वेनमस थे, तो वो भी जो है ट्राई करेंगे और कुछ अगर नया मिलता तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।